ससुर ने अपने दामाद के अपहरण का आरोप गांव के ही एक व्यक्ति पर लगाया है। आपको बता दें, परमेश्वर पुत्र टीकर निवासी मुस्तफाबाद थाना रामकोट सीतापुर ने अपने दामाद रवि के अपहरण की आशंका जताते हुए गांव के ही कुलदीप पर रवि के अपहरण का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मामला साहब ये है कि गाँव में कुलदीप जौन है, वह हमको धमकी दिया था, तुमको उठवा लेंगे और दामाद को उठवा लेंगे, यही सब बात थी, इसलिए हम आए हैं। कौन सा गांव है आपका? मुस्तफाबाद है। थाना कौन सा लगता है? रामकोट। पूरी घटना बताइए, किस दिन की घटना है ये? 25 तारीख, बीती 25 तारीख। हाँ, वह राजगिरी काम करता था हमारा दामाद। आपका दामाद क्या नाम है उसका? उसका रवि नाम है। फिर क्या हुआ? फिर वो डेली आता जाता था और आराम से जो है आ जाता था। सुबह 7:30 बजे गया, दिन भर फोन मिलाया, स्विच ऑफ रहा। फिर शाम को यहाँ आने के टाइम 5 बजे के बाद मिला है, तबहूँ स्विच ऑफ रहा है। 9-10 बजे ले दुआरे बैठ रहे हैं, तबहूँ स्विच ऑफ रहा। बाद के यहाँ जो है जब ना मिला, तब ऐसी ऐसी पता लगाव शुरू किए। पता लगाने के बाद जो है फिर धीरे 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 वो टाइम बीतर रहा। फिर बाद के हैं नाई जब मिले, तब सुबह गए एप्लीकेशन चौकी में दिहन। फिर जो है हुआ रामकोट, रामकोट में थाने पे गए, थाने पर गए, वहाँ पर जौन है एप्लीकेशन दिया। ठीक, क्या जानकारी मिली वहाँ से? वहाँ से जानकारी मिली कि जाइए, हम लोग जानकारी करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद घर आए, डेली वो आदमी वो जौन है तो वह गायब रहते हैं, गांव में है नहीं, वह सिकटिया में रहते हैं। शक है आपको? हैं? किसी पे शक है आपको? हाँ, उन्हें पर शक है। क्या नाम है उनका? उनका नाम कुलदीप है। आपके गांव के निवासी हैं? हाँ। कितनी दूर पे घर है आपके घर से? पड़ोसे है, परिवार के हैं। कोई पुरानी रंजिश? पुरानी रंजिश 10-15 दिन पहले बाद या जौन है कुछ कहा सुनी के बात रहा है। हमारे को लेकर कहा सुनी हुई थी? वो हमारे घर फांदे रहे हैं कुलदीप। जब घर फांदे, मोबाइल उठा लेंगे, और मोबाइल उठाने के बाद हम जब रगदाए रहे उनका, तो पंजा मिला, तो चौकी में है जो उनका है एप्लीकेशन दिहन, वो बुलाएगी। तो मोबाइल आपका मिला वापस कि नहीं? ना मिला। एप्लीकेशन जब दिहन, तब पुलिस चौकी में इकट्ठा गए। पुलिस चौकी में इकट्ठा होने के बाद फिर सुलभ हुआ, तो मोबाइल के यार 2000 रुपया हमको लोगों ने दिवाए गए। के बाद ये घटना हुई, तो आपका शक जा रहा है कि उसी ने ये घटना कारित कर? वो धमकी दे रहे हैं। वो धमकी दिए क्या? धमकी भरा कोई फोन मिला आपको? फोन आया था? नहीं, फोन आवा है तो उन तो यू वही दिन आवा है जब गायब हुई गए रवि। क्या फोन आया? किसका फोन था? वो फोन हमारे दामाद का था। अच्छा। जो उन गायब हो गए, गाड़ी या दामाद सब उनका फोन था। क्या कहा उन्होंने फोन पर? वह फोन पर कहा ये कि आप हमारे दामाद के पास आवा रहे। ठीक है, फिर क्या कहा? फिर वे कहें महमूदाबाद बहराइच आओ। बहराइच में यहाँ हम लोग गए, पुलिस चौकी से रिया लेकर गए, कहें भाई पता लगा लो, हो सकता है कहीं मिल जाए। और उस पर ये लिखा था कि 20,000 रुपया दे हुआ है बहराइच में यहाँ। उसके बाद बहराइच गए नहीं है? नहीं गए ना है, जीप से नहीं गए ना है। क्या वहाँ पर जानकारी मिली? वहाँ पर जानकारी कोई मिल पे ना कि मोबाइल नहीं उठाए साहब, मोबाइल नहीं उठाए। तो आज आपने यहाँ एप्लीकेशन दी, आपको यहाँ से क्या आश्वासन मिला? हमको मिला है कि चौकी आप जाइए। चौकी जाइए? हाँ। क्या है आपका नाम? हमारा नाम परमेश्वर। गांव? गांव मुस्तफाबाद। थाना? रामकोट।